गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम स्वाति सिंह. आज की हमारी इस वीडियो के अंदर जो हम पढ़ रहे थे अब तक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण, इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर आप चेक कर सकते हैं. हमने वहाँ पे हेरिडिटी क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है और कितने टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे वातावरण के प्रभाव, यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन अ चाइल्ड. बच्चे के ऊपर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है वो बच्चे के ऊपर किस रूप में पड़ता है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे. क्योंकि बच्चे का जब बर्थ होता है उसके बाद वो किससे रिलेट होता है, हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ता है. जहाँ पे उसकी फैमिली होती है, उसकी सोसाइटी होती है, उसके फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, ये सारी चीज़ें क्या है, उसका जब तक मृत्यु यापन तक, जब तक उसका जन्म रहता है तब तक वो सारी चीज़ें उसके साथ एनवायरनमेंट चलता रहता है, वो कभी भी फिनिश नहीं होता है. ठीक है, तो इसीलिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या थे ये तो हम समझ चुके हैं. अब उसका असर किस रूप में बच्चे के ऊपर पड़ता है, देखिए जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी किस रूप में बच्चे को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तब तक आप उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे एज अ टीचर. आपको जो हम ये पढ़ा रहे हैं कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, वो इसीलिए तो इम्पॉर्टेंट है, जब आपको ये पता चलेगा कि हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का बच्चे के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमें यही सारी चीज़ें तो हटानी है बच्चे के ऊपर से, ताकि उसका प्रॉपर वे में डेवलपमेंट हो सके. जो इम्पैक्ट गलत पड़ रहा है ना, नेगेटिव पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको रिड्यूस करनी है, हटानी है. ठीक है, एज अ टीचर बच्चे की हेल्प करनी है, तो ये सारी चीज़ें पहले आपको भी समझनी ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें किस रूप में बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट करती है, और देन बच्चों के लिए शॉर्ट आउट ढूंढना है कि हाँ ये सारी चीज़ें बच्चे को इम्पैक्ट कर रही हैं, तो हमें ऐसी टीचिंग देनी चाहिए, ऐसा रेमेडियल देना चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ें बच्चों को, बच्चे की स्टडीज़ को या उनके डेवलपमेंट को इम्पैक्ट ना करें. ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास को प्रभावित करती है. फर्स्ट कि इम्पैक्ट ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट करता है, यानी कि शारीरिक विकास को प्रभावित करता है. शारीरिक विकास को कैसे प्रभावित करता है, देखिए जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो माँ के गर्भ में बन जाता है, लेकिन जब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगता है प्रॉपर वे में, जब बच्चा 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 5 का होता है, 15 का होता है, जो उसकी स्टेजेस बढ़ती हैं, जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है, तो वो क्या है, वो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. वो कैसे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट का कैसे हमारे फिजिकल डेवलपमेंट पर असर पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे, जैसे आजकल आपने देखा ही है कि न्यू जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं वो जंक फूड बहुत खाते हैं, कभी उनको पिज़्ज़ा चाहिए, कभी बर्गर चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, ये वो, तो वो घर का खाना अवॉइड करते हैं. तो अगर घर का खाना नहीं खाएंगे प्रॉपर, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, पोषण तत्व नहीं मिलेंगे प्रॉपर मात्रा में, तो उनका विकास शारीरिक रुक जाएगा. तो इसीलिए अब जैसे बच्चे हैं जंक फूड खाने लगते हैं, तो उनका क्या होता है, वेट ज़्यादा बढ़ जाता है. कई बच्चे अपनी उम्र के पहले से ही 10 साल के होते हैं, 12 साल के आपने बहुत मोटे मोटे देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग. तो वो भी क्या है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट उस पर इम्पैक्ट कर रहा है, हमारा एनवायरनमेंट ही तो कर रहा है, क्योंकि ये सारी एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट में हमें मिलती है, हमारी सोशल लाइफ में हमें मिलती है. और बच्चे घर का खाना अवॉइड करते हैं, तो इसीलिए उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनका जो शारीरिक विकास है वो नहीं हो पाता है. वो क्या है, कई बार दुबले पतले रह जाते हैं. चलो अगर कोई स्लिम है तो डजंट मीन कि उसके अंदर उतने न्यूट्रिशंस नहीं हैं, जो विटामिन हमें चाहिए, जो कैल्शियम हमें चाहिए वो नहीं है, वो क्या पता उसमें हो, लेकिन जो एक विल पावर है, ये सारी चीज़ें हैं, वो होनी ज़रूरी है. किसी का दुबला पतला होने का मतलब ये नहीं है कि आप न्यूट्रिशन आपके अंदर ना हो. ठीक है, तो आपको जब भी आप ऐसी डाइट रखें बच्चों के लिए कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्राप्त हो, जिससे आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी प्रॉपर वे में हो, आपकी हाइट अच्छी होगी उससे, एक आपका जो एक बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी शेप में रहेगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे फिजिकल जो डेवलपमेंट है उस पर इम्पेक्ट करती है डायरेक्ट एनवायरनमेंट की चीज़ें. ठीक है, बच्चा जैसे फॉर एग्जांपल ये भी है कि बच्चा अगर मान लीजिए
किसी के पेरेंट्स की कम हाइट है और हमें हेरिडिटी के थ्रू हमें भी कम हाइट मिली है, तो वो अपने एनवायरनमेंट से कैसे कनेक्ट होके उसको बढ़ा सकता है पॉजिटिव वे में? वो इस तरह से बढ़ा सकता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ इंक्लूड होके वो पार्क जा सकता है, झूले पे लटकते हैं ना बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं किसी हद तक वो उसको इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा मानसिक विकास, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट पे इम्पेक्ट करता है, मानसिक विकास पर प्रभावित होता है हमारा एनवायरनमेंट, यानी कि जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट है उस पर भी इम्पेक्ट करता है। उस पर कैसे करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक मान लीजिए बच्चे जैसे आजकल मूवीज़ बहुत देखते हैं, टीवी देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, तो उसी तरह से बच्चे का कई जो बच्चे उसको पॉजिटिव वे में लग रहे हैं, मान लीजिए कोई कुछ बच्चे क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, दो बच्चे क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं सेम एपिसोड, ठीक है। अब उसके अंदर क्राइम के बारे में दिखाया जाता है कि मान लीजिए किसी को क्राइम किसी का किडनैप कर लिया या किसी का मर्डर कर लिया, एक बच्चे ने तो उसको पॉजिटिव वे में लिया, अपनी मेंटल जो उसका मेंटल डेवलपमेंट है उसमें उसने पॉजिटिव वे में लिया मानसिकताओं में अपनी कि मुझे इन सब चीज़ों से अवेयर रहना है, कभी किसी के साथ बाहर ऐसे अननोन के साथ नहीं जाना, मम्मी पापा को इन्फॉर्म करके जाना है, कहीं पर भी जाना है, कोई भी गलत चीज़ें नहीं करनी। और दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसको नेगेटिव वे में ले लिया, उसने उससे क्या चीज़ें लर्न कर ली, उसने ये चीज़ें उससे लर्न कर ली कि हाँ मैं कैसे कैसे किडनैपिंग कर सकता हूँ, क्या क्या ट्रिक्स हो सकती है मर्डर करने की, मुझे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोनों बच्चों ने देखा ही सेम ही चीज़, लेकिन उनकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर है वो कि आप उसको पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इसी रूप में जो मानसिक विकास होता है ना बच्चे का, वो भी हमारा एनवायरनमेंट उसको इफ़ेक्ट करता है। हम जिस सोशल लाइफ में जीते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर वहाँ पर हम बच्चे से बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, तो बच्चा भी वहाँ पे क्या है आपके साथ एक अच्छे पॉजिटिव वे में कनेक्ट होगा। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके साथ शेयर करेगा, अगर लाइफ में उसको कुछ हेल्प चाहिए तो भी वो आपकी हेल्प लेगा। ये सारी चीज़ें क्या है, उसकी मेंटल एबिलिटी को या मेंटल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर मान लीजिए आप बच्चे से बात ही नहीं कर रहे हैं, या एक फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे पेरेंट्स रहते हैं और उसका बेबी रहता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, पेरेंट्स अपने दोनों वर्किंग है और अपने आप में ही खोए रहते हैं कि सुबह को ऑफिस चले गए, शाम को वापस आए, फिर थोड़ा अपना जो भी उनका पेंडिंग वर्क है वो फिनिश किया, घर के हाउस होल्ड वर्क्स की और अपना सोने चले गए, फिर सुबह उठे फिर सेम रूटीन। तो मतलब वो बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जो बच्चा है वो ज़्यादातर मेट के पास ही रहता है या स्कूल में रहता है अपने फ्रेंड के साथ, तो वो क्या है, धीरे धीरे बच्चा अपना एक डिप्रेशन में चला जाएगा, बच्चा आपके साथ इतना सोशलाइज नहीं होगा या आपसे डरने लगेगा या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज आप उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चे के मेंटली उस पर इफ़ेक्ट करती हैं, बच्चा कई बार अपने आप में ही खो जाता है, बिल्कुल इतना डिप्रेशन में चला जाता है, वो मानसिक रूप से कमज़ोर होने लगता है, बोलना कम कर देता है, तो इससे क्या है उसका डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, मानसिक विकास कि मेंटल डेवलपमेंट पे कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारा वातावरण, हमारा एनवायरनमेंट। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, बुद्धि पर प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट ऑन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस पे हमारा एनवायरनमेंट कैसे इफ़ेक्ट करता है। जब छोटा सा बच्चा होता है तो वो कैसे सीखना चीज़ें सीखना सीखता है, अपने इंटेलिजेंस लेवल को कैसे बढ़ाता है, जब छोटा होता है तो अपने पेरेंट्स को देख के अनुकरण के द्वारा ऑब्जर्व करके चीज़ें सीखता है, फिर उससे बड़ा होता है तो वो स्कूल में जाता है, स्कूल में जाके वहाँ पे टीचर्स से सीखता है, तो वो सोशल लाइफ यानी कि अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे चीज़ें सीखता है। कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप जो किताबों में पढ़ते हैं सिर्फ वही आपकी लर्निंग है, वही आपके इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ा रही है, आप किताबों से अलग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप टीवी से सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, अपने फ्रेंड से कुछ चीज़ें सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें सीखते हैं, वो प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें आप डेली लाइफ में करके सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा बस में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, वो अपने स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है, और जिस डायरेक्शन में बस जा रही है बच्चा उसी डायरेक्शन में
फेस ना करके दूसरी डायरेक्शन में फेस करके उतरता है. मतलब अगर इस डायरेक्शन में बस जा रही है तो मैं पीछे की साइड अपना फेस करके उतरता हूँ. जब बस थोड़ी स्लो होती है तो मैं पीछे की साइड फेस करके एकदम बस से उतरूँगा तो मुझे क्या होगा, एकदम से धक्का लगेगा तो मेरे गिरने के चांसेस पीछे की तरफ ज़्यादा होते हैं, राइट. तो आपने फर्स्ट टाइम ऐसे किया क्योंकि गिरकर आप क्या है, सीधा बस के टायर के नीचे आ सकते हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट का केस आपके साथ हो सकता है. तो नेक्स्ट टाइम जब आप गए तो आपको किसी ने बस के अंदर ही बताया कि बेटा कभी भी उतरो तो अपोजिट डायरेक्शन करके नहीं उतरते हैं बस से, बस की सेम डायरेक्शन में उतरते हैं. अगर बस ऐसे चल रही है तो आप उसी की मूवमेंट में यानी कि स्लो मोशन में उसी की साइड फेस करके उतरिए. जब आपका बॉडी मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाएगा मोशन तो आप टर्न कर सकते हैं, देन आप टर्न कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे आपको झटका नहीं लगेगा क्योंकि आप भी जो गति है जो स्पीड है बस की आप भी उसी स्पीड की साइड जा रहे हैं, ठीक है. तो ये भी क्या किया बच्चे ने, ये भी तो लर्निंग ही की है एक तरह से, उसका इंटेलिजेंस लेवल में इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि उसने बुक से तो सीखी नहीं है चीज़ें. ये कैसे सीखी, अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट होके, अपने पेरेंट्स से या अपने सोशल लाइफ में जो बाकी लोग हैं उनसे कनेक्ट होकर बच्चे ने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे मेंटल एबिलिटी और इंटेलिजेंस को इफ़ेक्ट करती है जो हमारा एनवायरनमेंट है. इफ़ेक्ट ऐसे कर रही है, मैंने तो ये पॉजिटिव चीज़ सीख ली, ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई गलत शिक्षा दे रहा है, कोई गलत बात बता रहा है तो वो हमें नेगेटिविटी वे में इम्पेक्ट कर सकती है. लाइक अगर मुझे कोई बोले कि सिगरेट पीना बहुत अच्छा है सेहत के लिए, आपको पीनी चाहिए, और आजकल का कल्चर है, आजकल के स्टेटस है, हर लोग अपनी स्टेटस दिखाने के लिए या अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए सिगरेट बियर वगैरह यूज़ करते हैं, आप भी कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें अगर मैं स्टार्ट कर दूँ तो मेरे ऊपर क्या होगा, एनवायरनमेंट का गलत इम्पेक्ट हुआ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें क्या अपने एनवायरनमेंट से ही सीखी हैं, तो मैंने वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट अपने गेन कर लिए वहाँ पे, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या थी, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट मेरे इंटेलिजेंस लेवल पे पड़ा, ओके. ये भी थर्ड पॉइंट भी हो गया. देन फोर्थ पॉइंट आता है व्यक्तित्व पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी. एनवायरनमेंट हमारी पर्सनैलिटी पर भी इफ़ेक्ट करता है. बच्चे की पर्सनैलिटी की सूट में केवल खाना पहनना और ये मतलब सॉरी पहनना चलना ये सब पर्सनालिटी नहीं होती है, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये भी आपकी पर्सनालिटी को दिखाते हैं कि आप किस रूप से किसी के सामने बात करके अपनी पर्सनालिटी को दिखा सकते हैं कि हाँ वेरी गुड पर्सनालिटी पर्सन. जैसे हम बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन को देखिए कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बिकॉज कि हाइट के अकॉर्डिंग और पहनावे के अकॉर्डिंग, वे ऑफ टॉकिंग के अकॉर्डिंग क्या है, बेस्ट पर्सनालिटी है. तो इसीलिए ऐसी ही चीज़ें जब एनवायरनमेंट से हम कनेक्ट होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती है. कैसे, जैसे हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, अपने सोशल लाइफ में रहते हैं, वहाँ पे आप जैसा आचरण करना सीखेंगे, जैसा दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे, जैसी बातें करना सीखेंगे. अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में कहीं रह रहे हैं जहाँ पे एजुकेटेड पीपल नहीं हैं या फिर गालियाँ दी जाती हैं, अब्यूजिंग होती है और गलत काम किए जाते हैं, तो आप भी क्या है वैसे ही भाषा बोलनी सीखेंगे और वैसे ही चीज़ों में ढलते चले जाएंगे. वो आपकी पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी इफ़ेक्ट होगी. और आप ऐसे एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, सुपीरियर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे सारे पढ़े लिखे हैं या आपको ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए जहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत पॉजिटिव मिल रही है, तो वहाँ पे क्या है आप भी उसी प्रॉपर वे में अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करोगे या एक्सप्रेशन यूज़ करोगे, मतलब एक पढ़े लिखे की तरह बातें करोगे, ठीक है. आप बोलते हो ना कि जैसे जाहिल बोलते हैं कि जाहिल गवार, कुछ पता नहीं है ऐसे बोल के चला गया. क्यों बोल देते हो, क्योंकि उसका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं होता है, ठीक से बात नहीं करता या गाली देता है या कुछ पता नहीं होता, मतलब इस तरह से आप उसकी वहाँ पे इंटेलिजेंस तो बैठ के ऑब्जर्व नहीं करते ना कि इसका मेंटल एबिलिटी कितनी है, IQ लेवल कितना है, नहीं बोलते ना. वहाँ पे आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऑब्जर्व करने बैठो कि हाँ बंदा कितना इंटेलिजेंट है, मैथ्स आती है नहीं आती, साइंस आती है ऐसी. वहाँ पे आप जज कैसे करते हो उसको, वहाँ पे उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आप जज करते हो, उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, वे ऑफ वॉकिंग क्या है, ये सारी चीज़ों से आप उसे जज करते हो, ठीक है. तो इसीलिए
हमारा एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी को भी इफ़ेक्ट करता है किसी भी बच्चे का. तो एज अ टीचर आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों को एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए बच्चे के सामने जिससे बच्चे पॉजिटिविटी ही गेन करें, नेगेटिव कुछ ना लो. और एज अ टीचर आपको भी बच्चे के सामने ऐसी ही चीज़ें करनी चाहिए जिससे वो आपको आइडियल माने, आपकी चीज़ें ऑब्जर्व करें. ये नहीं कि आप भी स्टेज पे खड़े होके कुछ गलत बोल रहे हो या बच्चों के साथ क्लासरूम में अब्यूजिंग कर रहे हो या पार्शियलिटी कर रहे हो या उनसे तू तड़ाक से बात कर रहे हो, बदतमीजी से बात कर रहे हो या उनको डांट पिटाई लगा रहे हो उनकी. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चा भी अपने फ्रेंड सर्कल में करेगा, फिर घर में करेगा, फिर वो इन्हीं सब चीज़ों के साथ बड़ा होता चला जाएगा तो वो उसकी हैबिट हो जाएगी. ठीक है, तो एज ए टीचर आपको भी ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि एनवायरनमेंट जो है बच्चे का इफ़ेक्ट करता है उसके ऊपर. तो आप जैसी पर्सनैलिटी उसके सामने रहोगे, एक गुड पर्सनैलिटी ऑफ अ टीचर रहोगे, तो बच्चे भी आपको उसी रूप में देख के वो अच्छी चीज़ें ही सीखेंगे. ठीक है, उसके बाद आता है आपका जुड़वा बच्चों पर प्रभाव, इम्पैक्ट अ ट्वाइन चिल्ड्रंस, यानी कि ट्विंस जो होते हैं. जुड़वा बच्चे सुने हैं आपने. अब जुड़वा बच्चे भी पता है दो प्रकार के होते हैं. दो प्रकार के कैसे होते हैं, एक तो बिल्कुल सेम होते हैं जिनका शक्ल सूरत बिल्कुल सेम होती है, हाइट वेट सब सेम होता है. आप उनको आपस में सामने सामने खड़ा कर दो तो पहचान नहीं सकते. जैसे पुरानी मूवी थी वो राम लक्ष्मण वाली, दोनों बिल्कुल सेम थे, एकदम सेम सेम. ठीक है, आप उनको पहचान ही नहीं सकते, एक गया दूसरा आया कि पहला कौन सा था दूसरा कौन सा था. और जो दूसरे होते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, उनके वो ट्विन मतलब ट्विन चाइल्ड्स होते हैं, ट्विंस होते हैं, उनमें कुछ मिनट या कुछ घंटों का फ़र्क भी होता है लेकिन उनकी शक्लें भी डिफरेंट होती हैं, उनका रहन सहन, उनका खान पान या उनकी हैबिट्स भी अलग होती हैं और उनका जो बिहेवियर है वो भी अलग होता है. ठीक है, सब चीज़ों में वो डिफरेंट होते हैं आप उनको. और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक लड़का हो एक लड़की हो, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं. ठीक है, तो लेकिन जो बिल्कुल सेम सेम होते हैं उसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो दोनों लड़के ही होंगे या तो, या वो दोनों लड़कियां ही होंगी. और जो सेकेंड टाइप है जिसके अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो कोई एक लड़का लड़की भी हो सकती हैं या दोनों लड़की भी हो सकती हैं, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. अब इस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें हमारे एनवायरनमेंट ने कैसे ट्विंस बच्चों को इफ़ेक्ट किया था, कैसे इम्पैक्ट डाला था वो चीज़ सामने आई थी. उसमें क्या किया गया था कि 20 बच्चों के जोड़ों को रखा गया था. उसमें क्या किया गया कि दो बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल, कि कुछ बच्चों को क्या था, एक एजुकेटेड एनवायरनमेंट दिया गया जहाँ पे बहुत पढ़ा लिखा और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, वेल मैनर्ड एनवायरनमेंट था, एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया. ठीक है, और जो दो बच्चे थे बाकी जो दो और ट्विंस चाइल्ड थे उनको अलग अलग दिया गया. उनको कैसा दिया गया, एक को बहुत अच्छा और एक को बेकार, मतलब वेल बिल्कुल मैनर्ड नहीं था और अनएजुकेटेड एनवायरनमेंट था उसके लिए, इस टाइप से. तो जब बाद में कंक्लूजन के अकॉर्डिंग और इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हमने जब बच्चे बड़े हुए और ये चीज़ सामने आई, रिजल्ट सामने आए, तो पता चला कि जिन बच्चों को हमने वेल एजुकेटेड उसमें रखा था एक जैसे एनवायरनमेंट में, तो वो लोग वैसा ही सीखे, वैसा ही पढ़े, वो भी आगे चल के बहुत वेल एजुकेटेड रहे, बहुत वेल मैनर्ड रहे, बहुत एक सुपीरियर मतलब स्टेटस हाई फाई क्वालिफाइड रहे, वैसे वाले बच्चे रहे. और जिनको अलग उसमें रखा गया था कि एक को अनमैनर्ड में रखा गया था और एक को नहीं रखा गया था, उनके बीच में क्या था, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले कि वो बच्चे अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, बहुत कम बिहेव मतलब अच्छे से बिहेव नहीं करते थे और अब्यूजिंग करते थे, ज़्यादा पढ़े भी नहीं थे, गंदी आदतें उन्होंने ज़्यादा अपना ली थी, चोरी चकारी ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो जो गुण उन दो जो पहले वाले ट्विंस बच्चों के अंदर डिफरेंसेस देखे गए थे वो केवल एक दो डिफरेंसेस देखे गए थे कि 19-20 का फ़र्क देखा गया था. और जो दूसरे वाले बच्चों के अंदर ट्विंस बच्चों के अंदर डिफरेंसेस देखे गए थे वो कम से कम 20 से 19 डिफरेंसेस देखे गए थे, कि बहुत ज़्यादा गैप में डिफरेंसेस पाए गए थे उसके अंदर. ठीक है, अब बात करते हैं कि वंशानुक्रम का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी का. ठीक है, इससे पहले वाली में हमने बात करी थी कि वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, देन अब हम बात करते हैं कि हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है चाइल्ड के ऊपर. ठीक है,
तो उसमें बात कर लेते हैं। देखिए अभी जब हमने पहले बात करी थी तो उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात करी थी, अब हेरिडिटी का भी तो प्रभाव पड़ता होगा ना। जैसे बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस लेके पैदा होते हैं, सबके माँ बाप के अलग जीन्स और अलग हेरिडिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे पैदा होते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है अगर उनका अलग अलग मेंटल एबिलिटी सबकी अलग होती है, फिजिकल डेवलपमेंट सबका अलग होता है, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट और रंग रूप ये सब तो हम अपने जीन्स के अकॉर्डिंग और हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ही लेकर पैदा होते हैं ना। ये ऐसा तो नहीं है ना कि एनवायरनमेंट से हमें मिलता है, हम चाहें तो शाहरुख खान बन जाए, सलमान खान बन जाए, वो चीज़ तो नहीं हो सकती। तो इसीलिए अब ये देखना है कि हेरिडिटी का क्या इम्पेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर, जिससे एज अ टीचर आपको ये समझते हुए चीज़ें करनी है कि अगर बच्चा ऐसा है तो हम उस पर किस रूप से काम कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं जो बच्चा प्रॉपर वे में सीखने के लिए काबिल हो सके। ठीक है, आप पीछे जाके उसकी हेरिडिटी तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो उसको अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मिली है, लेकिन आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर कर सकते हैं जिससे वो आगे उसकी लर्निंग में हेल्पफुल हो। तो इसमें फर्स्ट इम्पैक्ट है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट ऑन सोशल स्टेटस। बच्चे का जो हेरिडिटी के अकॉर्डिंग मिलती है हमें, तो बच्चे का जो हेरिडिटी है वो सबसे ज़्यादा उसकी सोशल लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। कैसे? अगर मान लीजिए किसी के पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और तो फिर ऑब्वियसली बात है कि पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो इंटेलिजेंट ही हैं और काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वेल मैनर्ड होंगे, अच्छी स्किल्स होंगे उनके पास। तो बच्चा जब ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा होगा तो उसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो भी उसके सोशल लाइफ को इफ़ेक्ट करेगी, उसके सोशल स्टेटस को इफ़ेक्ट करेगी। वो ऐसी चीज़ों में रहना पसंद करेगा ना जहाँ पे उसका लेवल का स्टेटस हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो। अब वो किसी मजदूर के बच्चे के साथ तो खेलेगा नहीं, किसी मजदूर के बच्चे के साथ तो सोएगा नहीं, अपना खाना शेयर नहीं करेगा, राइट, या उसके साथ घूमेगा फिरेगा नहीं, या मूवी देखने नहीं जाएगा। तो इसीलिए जब बच्चे को हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जन्मजात मिलती हैं तो उसके अंदर भी इसी तरह से डेवलपमेंट होते हैं कि वो अपने स्टेटस को ही अपनाने लगता है, अपनी सोशल स्टेटस को अपनाने लगता है, उसमें घुलने मिलने लगता है। जो बची कुची कसर बाकी रह जाती है उसके पैदा होने के बाद, जब वो उसको सोशल एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है जो उसको उसी रूप में इफ़ेक्ट करता है, वो चारों तरफ अपने यही सारी चीज़ देखता है, डॉक्टर इंजीनियर ये सब, तो वो उसी रूप में ढलता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो हमारे सोशल स्टेटस को इफ़ेक्ट करती है हमारी हेरिडिटी। एंड एक और चीज़ सोशल स्टेटस को इस रूप में भी इफ़ेक्ट करती है हमारी हेरिडिटी कि जो बच्चे हैं वो सभी में क्या हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, दो बच्चे कभी भी समान नहीं रहते। तो वहाँ पर क्या है, जब बच्चे के अंदर ही डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो उनकी हर चीज़ों में डिफरेंस पाया जाएगा, उनकी सोचने की शक्ति अलग होगी, उनका काम करने का तरीका अलग होगा। किसी बच्चे को बोलना जो जिसकी ज़्यादा डेवलपेबिलिटीज़ हैं या ज़्यादा अच्छा सोचता है वो तो ये कहेगा मैं तो डॉक्टर ही बनूंगा, और दूसरा बच्चा क्या सोचेगा कि नहीं मैं तो मजदूर ही बनूंगा, मुझे तो पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, मैं तो लेबर गिरी कर लूँगा, लोहा पीट लूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली सोशल स्टेटस आ गया कि एक बच्चा बहुत सुपीरियर हो गया, एक इन्फीरियर हो गया, तो उसका लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया, वो गाड़ियों में घूम रहा है, वो बसेस के धक्के खा रहा है, उस पर ऑटो के पैसे भी नहीं है, वो लग्जरी लाइफ जी रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे सोशल स्टेटस में फ़र्क डालती हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग से ही आती है ये सारी चीज़ें जब बच्चा पैदा होता है। ये नहीं कि बच्चा पैदा होने के बाद 10th कर ली, 12th कर ली, अब तू नहीं पढ़ा तो हम क्या करें, अब तू मजदूरी करेगा, या तू बहुत अच्छा पढ़ गया तो बहुत अच्छा किसी अच्छे स्टेटस पे बैठा होगा। नहीं, ये सारी चीज़ों की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ही होती है। बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी और इंटेलिजेंस लेवल हमारा इफ़ेक्ट करता है वो हेरिडिटी से ही करता है, बाद में जाके आप उसको एनवायरनमेंट के थ्रू उसको बढ़ा और घटा सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसमें मूल शक्तियों पर प्रभाव। अब आता है इम्पैक्ट ऑन कोर स्ट्रेंथ। इसमें क्या है, इस बार ये जो पॉइंट दिया था हमारा, ये थ्रोनडाइक ने दिया है, इन्होंने बोला था कि बच्चे के अंदर मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव डालती है हमारी हेरिडिटी। जो बच्चे के इमोशंस होते हैं ना, मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो बच्चे को फर्स्ट अपनी प्राइमरी चीज़ दिखाई देती है कि हमें ये चीज़ चाहिए ही, मतलब कोई उसके लिए वो नहीं है। अब जैसे
पैदा होने के बाद हमारी प्राइमरी चीज़ें क्या हैं जिनको हम प्राथमिकता देते हैं, कि घर होना चाहिए, खाने के लिए खाना होना चाहिए, पीने के लिए पानी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारी फर्स्ट नीड होती हैं। उसके बाद हम कहीं सोचते हैं कि गाड़ी होनी चाहिए घूमने के लिए, लग्जरी लाइफ के बारे में सोचना शुरू करते हैं, ये सारी विलासिता की वस्तुओं के बारे में हम तब सोचते हैं जब हमारी फर्स्ट प्राइमरी नीड्स पूरी हो जाती हैं। तो इसी रूप में जब बच्चे की मूल प्रवृत्तियाँ पूरी होने लगती हैं, हेरिडिटी के अकॉर्डिंग जो हमें मूल प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, जैसे बच्चा पैदा होने के बाद क्या करता है, अपने एक्सप्रेशन और अपने इमोशंस के थ्रू अपने माँ बाप को बताता है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए, फिर वो अंगूठा चूसना शुरू कर देता है, पैर का अंगूठा चूसता है, या कुछ ना कुछ ऐसी सबके अंदर बच्चों में हैबिट होती है, कोई अपने बाल रोल करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चों की नीड होती हैं, एक तरह की ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो बच्चे अपने जन्म के साथ ही लेकर पैदा होते हैं। कई बार आपने देखा होगा ऐसे बोलते होंगे जैसे कोई बर्थ मार्क होता है तो पेरेंट्स में होता है तो बच्चे में आ जाता है, ऐसे ही कुछ बर्थ हैबिट्स होती हैं कि मॉम थी अंगूठा चूसती थी तो बच्चे ने भी अंगूठा चूसना शुरू कर दिया। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हम बोलते हैं ना, ये सारी हमें हेरिडिटी के अकॉर्डिंग मिलती हैं, ठीक है। तो मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव डालती है कि क्योंकि जिसके पेरेंट्स नहीं करते उनके बच्चे भी नहीं करेंगे, और जिनके पेरेंट्स करते थे या आगे दादा दादी में कोई वो थी तो उनके बच्चे भी करते होंगे ये सारी चीज़ें, तो मूल प्रवृत्तियों पर भी प्रभाव डालती है। उसके बाद आता है व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एबिलिटी। अब बिजनेस एबिलिटी से हमारा हेरिडिटी से क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है? बिजनेस तो बहुत दूर की बात है, अभी तो जन्म हुआ है बच्चे का, या जन्म नहीं भी हुआ, वो बर्थ में है, वो बिजनेस पता नहीं कब जाके वो करेगा, 30 साल की उम्र में, 25 साल के बाद, तो अभी से बिजनेस का क्या संबंध उससे? बिजनेस का संबंध इस प्रकार है कि बच्चा जब जन्म लेता है या जन्म लेने के बाद जैसा वो अपना सोशल एनवायरनमेंट देखता है, हेरिडिटी में जो जीन्स उसके आ जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना बनिए का बेटा बनिया, कि बनिए बड़े कंजूस होते हैं या बड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो ऐसे ही उसके बेटे में वो चीज़ें आ जाती हैं कि वो भी थोड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं, कंजूस बना दिखाते हैं हर चीज़ में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हेरिडिटी के अकॉर्डिंग आती हैं। और बाद में जब बच्चा जिसके पेरेंट्स अपने बिजनेस में होते हैं, उनका अपना बिजनेस सेटअप होता है, तो बच्चे भी उसी रूप में उसी को अपने पेरेंट्स के बिजनेस बढ़ाने में आगे में लग जाते हैं। उन्होंने अपनी जो प्राइमरी नीड थी, प्राइमरी एजुकेशन थी, वो कंप्लीट कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट कर ली, फिर अपने फादर के बिजनेस में उनका सपोर्ट करते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो चीज़ें हैं बिजनेस एबिलिटी को क्यों इफ़ेक्ट करती है हमारी हेरिडिटी, क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि हमारी सोचने की क्षमता ऐसी होती है, हमारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये सारी चीज़ें बच्चे के उस पर इफ़ेक्ट करती हैं। अगर कोई किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, IAS और कलेक्टर लगे हुए हैं, तो उनके बच्चे भी उनमें ये एबिलिटी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ही पहले आ जाती है कि वो कोई भी व्यवसाय अपना चुनते हैं तो ऐसी रूप से चुनते हैं, या तो वो कलेक्टर ही बनते हैं या उससे ऊपर भी निकल जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मजदूर बन के रह जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। उसके बाद है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन योर फिजिकल एबिलिटी। फिजिकल एबिलिटी तो आपको पता है, हम जब से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तब से ही डिस्कस कर रहे हैं, हेरिडिटी के अकॉर्डिंग हमें फिजिकल एबिलिटी, हमारी वो स्ट्रक्चर रेडी होता है फिजिकल। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब भी हमारी फिजिकल जो स्ट्रक्चर रेडी है, जो संरचना होती है, बच्चे का हाथ बनता है, धड़ बनता है, सिर बनता है, पैर बनते हैं, आईज बनती हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चे के गर्भ में ही बन जाते हैं। फिर हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ही हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जितनी मॉम डैड या पेरेंट्स की हाइट होती है उतनी ही बच्चे की होती है, जैसे माँ बाप का कलर होता है वैसे ही बच्चे का होता है, ठीक है। और जैसे फेस कट होता है वैसे ही बच्चे का होता है, बोलते हैं ना इसकी आईज मॉम पे गई हैं, नहीं नहीं इसकी नोज तो अपने पापा पे गई है, या लिप्स अपनी बुआ पे गए हैं, ऐसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसको हेरिडिटी के अकॉर्डिंग मिली होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो बच्चे का हेरिडिटी हमारे फिजिकल रूप को भी इम्पेक्ट करता है। कोई बच्चे बहुत ज़्यादा सुंदर हर चीज़ से 100% कि बहुत हाइट में अच्छे हैं, आप जैसे फॉर एग्जांपल ऐश्वर्या राय है, आप उसको देखते हैं कि लंबी भी है,
इतनी ज़्यादा फेयर कलर भी है, पर्सनैलिटी वाइज भी इतनी सुंदर है, तो हर चीज़ में क्या बोलते हैं कि वो 100% है। अगर हम एकदम से ब्यूटी या ब्यूटीफुल या ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आते हैं तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल यही होता है कि कैटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय, ये सब, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम उनको देखते हैं इस रूप में डेली कि हाँ ये बिल्कुल 100% है अपनी चीज़ में। उसको क्या है, वो अपनी हेरिडिटी के थ्रू अपने पेरेंट्स से मिली है, ठीक है। ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं जिनको अपनी पेरेंट्स से हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें मिली होती हैं, तो वो काफ़ी छोटी हाइट के होते हैं, इतना सुंदर नहीं होते हैं, या उनके कहते हैं ना नैन नक्श और फीचर्स ज़्यादा अच्छे नहीं होते कि वो देखने में अच्छे लगें, ठीक है। तो फिज़िकल जो हमारा फिज़िकल एबिलिटी है उसको भी इम्पेक्ट करती है हमारा हेरिडिटी। उसके बाद आता है बच्चे का चरित्र एवं महानता का प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट ऑन कैरेक्टर एंड ग्रेटनेस। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ हमें कैसे मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पेरेंट्स चोर हैं, चोरी चकारी करते हैं, गाली देते हैं, या गलत कामों में हैं, ड्रग माफिया हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें बच्चों में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो बच्चे फिर क्या करते हैं, उसी रूप में बच्चों का डेवलपमेंट होने लगता है, बच्चों का चरित्र निर्माण भी वैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसको मोरल वैल्यू सिखाने वाला कोई होता ही नहीं है। उसके पेरेंट्स खुद ही ऐसे ही हैं जिनमें खुद मोरल वैल्यूज़ नहीं है कि रिस्पेक्ट कैसे करनी है, गलत आदतों से दूर रहना है, बैड हैबिट्स गेन नहीं करनी है, सिगरेट दारू ये सब बुरी चीज़ें हैं हमारे शरीर के लिए भी और वैसे सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी। तो वो बच्चों को सिखाएंगे ही क्या, वो तो खुद नहीं सिखाएंगे ना, वो सिखाएंगे भी नहीं, और हेरिडिटी में उनके पेरेंट्स में है तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर आ जाएंगी कि बच्चा अब्यूजिंग करने लगेगा और बड़ों का सत्कार नहीं करेगा, किसी से अच्छे से रिलेशन नहीं बना पाएगा। ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, जैसा माँ बाप का चरित्र होता है वैसा ही बच्चे का चरित्र निर्माण हो जाता है। अब इसमें आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जैसे वो होती है ना प्रिंस्टीट्यूशंस होती हैं, वेश्या वगैरह होती हैं, तो उनकी बच्चे जो हो जाते हैं वो भी उसी रूप में ढल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एनवायरनमेंट भी ऐसा प्रोवाइड नहीं किया जाता है कि उनको बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा सके, या उनको अच्छे से एक सेपरेट उनको कॉर्नर दिया जा सके जिनसे उनका एनवायरनमेंट के थ्रू उनका डेवलपमेंट किया जा सके। अब हेरिडिटी के अकॉर्डिंग तो वो चीज़ उसमें आ गई है, क्योंकि उसकी माँ ये काम करती है, उसके जब बर्थ में थी वो चीज़ें तब आ गई, और बाकी उसका जो जिस एनवायरनमेंट में वो रहती है बाकी कसर उसमें पूरी हो जाती है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक के अंदर हमने इम्पैक्ट इफेक्ट जो होते हैं हमारे, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी और इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन अ चाइल्ड, ये दोनों कवर कर लिए हैं कि कैसे बच्चे के ऊपर हेरिडिटी का इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे बच्चे के ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है जो उसके डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। अब वो पॉजिटिव में भी इफेक्ट कर सकता है और नेगेटिव में भी इफेक्ट कर सकता है। आप जैसा बच्चे को एनवायरनमेंट देंगे, जैसे बच्चे के पेरेंट्स होंगे, वैसा ही बच्चे के अंदर वो चीज़ें एबिलिटीज़ ऑब्जर्व होंगी, ठीक है। इसी के साथ मेरी ये वीडियो फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर अगर एक टॉपिक रह गया है उस पर बात करेंगे। अब इसके अंदर ये जो हमारा टॉपिक है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, उसमें एक पॉइंट हमारा ये है कि वंशानुक्रम और वातावरण का आपस में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है आपस में वातावरण और हमारा एनवायरनमेंट का। हमें दोनों चीज़ें अलग अलग पढ़ी कि एनवायरनमेंट क्या होता है, वो कैसे इम्पेक्ट करता है, और हेरिडिटी क्या होती है, वो कैसे इम्पेक्ट करता है बच्चे को, ठीक है। अब ये आपस में कैसे रिलेटेड है वो बात पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि जो हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है ये एक दूसरे का गुणनफल है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, योगफल नहीं है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वातावरण और वंशानुक्रम एक दूसरे का गुणनफल है या योगफल, तो आपको आंसर करना है कि एक दूसरे का गुणनफल है, योगफल नहीं है, ठीक है, योगफल नहीं है, गुणनफल है, ठीक है। अब गुणनफल कैसे है, क्योंकि गुणनफल इस रूप में है कि दोनों जो चीज़ें हैं वंशानुक्रम और वातावरण, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, वो आपस में जुड़ी हुई हैं, वो आपस में इस रूप से जुड़ी हुई है कि अगर एक को अलग कर दिया जाए तो दूसरी चीज़ संभावना नहीं है। लेकिन अगर योगफल होती तो एक के बिना दूसरे की संभावनाएं थी।
आपको समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट करते हैं यहाँ पे, जिससे आपको पता चल जाए कि गुणनफल क्यों है, योगफल क्यों नहीं है। देखिए, दो चीज़ें के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए 2 है, अगर योगफल है, यहाँ पे हम ले लेते हैं योगफल का कॉन्सेप्ट और यहाँ पे ले लेते हैं गुणनफल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। योगफल है 2 + 2 = कितना हुआ 4, 2 × 2 = 4, ठीक है। तो अब ये चीज़ भी आप कह सकते हो कि दोनों में 4 आ रहा है, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट योगफल क्यों नहीं है, गुणनफल ही क्यों है? क्योंकि योगफल को आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं 2 को रिप्लेस कर दूं इसकी जगह से और किसी और वैल्यू को पुट कर दूं और लास्ट में जो हमारा टोटल हमें मिल रहा है वो भी सेम रहे, तो और ये वाली जो प्लेस हमारी रिप्लेस हो गई वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये योगफल हो जाता है। लेकिन गुणनफल में वैल्यू भी रिप्लेस नहीं होगी और योगफल भी जो लास्ट में हमारे पास सम आ रहा है वो भी सेम रहेगा, तो इसीलिए गुणनफल है। क्योंकि हेरिडिटी के अकॉर्डिंग, मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हेरिडिटी नहीं है तो उसके बिना एनवायरनमेंट भी नहीं है, और एनवायरनमेंट नहीं है तो उसके बिना हेरिडिटी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कहता है कि एक के बिना दूसरा पॉसिबल संभव है, यानी कि हेरिडिटी है तो ज़रूरी नहीं है एनवायरनमेंट होना हो, फ़र्क क्या पड़ता है, या फिर एनवायरनमेंट है तो ज़रूरी नहीं है हेरिडिटी होना हो, फ़र्क क्या पड़ता है बच्चे के ऊपर। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट कहता है गुणनफल की हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होना दोनों का ज़रूरी है, तभी वो आपस में काम कर सकते हैं। अब जैसे 4 + 4 मैंने = 2 लिख दिया, मान लीजिए मैं वैल्यू रिप्लेस कर देती हूँ, प्लस का कॉन्सेप्ट ले रखा है ना हमने यहाँ पे, ये 2 था, +1 + 1 = 2, 4, बात तो वही आ गई। मैंने 2 को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे 1 + 1 कर दिया, तो भी तो 4 ही बना, 2 + 3 = 4 ही बना ना। तो यहाँ पे क्या था, मान लीजिए ये हेरिडिटी था, ये एनवायरनमेंट था, मैंने एनवायरनमेंट को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह कुछ और चीज़ रख दी, तब भी मेरे को टोटल 4 ही मिला। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में आप रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको हेरिडिटी भी चाहिए और एनवायरनमेंट भी चाहिए। अब 4 की वैल्यू अगर मुझे यहाँ रखनी है तो बताओ कैसे रख सकती हूँ, गुणनफल के द्वारा, मतलब मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, और कैसे रख सकती हूँ, 2 × 1 करूँगी तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सेम सम नहीं हुआ, या 4 आ रहा है मुझे तो 4 चाहिए। अब 2 × यहाँ पे 3 कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, अब भी सेम नहीं आया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो वैल्यू सेम आ गई, यहाँ पे हमने एक चीज़ को रिप्लेस करके हमारे पास वैल्यू सेम आ जाती है, लेकिन हमारे पास क्वालिटी तो डिफरेंट हो गई, क्योंकि क्वालिटी यहाँ पे क्या थी, 2 की थी, और ये क्वालिटी यहाँ पे रिप्लेस हो गई। लेकिन यहाँ पे आप क्वालिटी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको टोटल यही योग चाहिए, जो उसका गुणनफल है वही चाहिए। यहाँ पे जैसे ही आप क्वालिटी रिप्लेस करते हैं तो हमारी लास्ट में जो वैल्यू थी, टोटल वैल्यू, वो भी रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसके द्वारा मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को गुणनफल क्यों कहा है, योगफल क्यों नहीं कहा, क्योंकि हेरिडिटी में से एनवायरनमेंट हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं और ना ही एनवायरनमेंट में से हेरिडिटी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों को आपस में गुणनफल बोला गया है, योगफल नहीं बोला गया। एक और चीज़ इसके अंदर, जो बच्चे का विकास है, डेवलपमेंट, विकास यानी कि डेवलपमेंट, वो भी क्या होता है, हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, मतलब आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विकास क्या है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट या हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट या हेरिडिटी डिविजिबल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को गुणनफल का योग बोला गया है, वो किस में सहायक होता है, बच्चे के डेवलपमेंट में। अगर ये दोनों का गुणनफल है, क्योंकि हेरिडिटी मिलती है उसको हम एनवायरनमेंट के साथ इंक्लूड करके बढ़ा सकते हैं, तभी बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, जिसके अंदर आपके फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट
और मोटर डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट्स आपके इंक्लूड होते हैं। तो किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए बच्चे के अंदर जब विकास की प्रक्रिया करनी होती है तो हमें हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट रखना ही रखना है। उसमें हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट हम नहीं कर सकते क्योंकि हम वहाँ पे वैल्यू रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल बोला गया है। ठीक है, अब आपस में जो इसका रिलेशन था, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर यही था कि गुणनफल है कि योगफल। तो अब आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि ये गुणनफल है विकास के लिए भी, और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपस में क्या है, गुणनफल है, योगफल नहीं है। वंशानुक्रम और वातावरण का आपस में संबंध क्या है, ये आपको पता चल ही गया है कि जब तक हेरिडिटी के अकॉर्डिंग हमें पेरेंट्स से कोई चीज़ नहीं मिल सकती तो हम बच्चे को एनवायरनमेंट से रिलेट करके उन चीज़ों में इंक्रीमेंट या डीमेरिट्स या मेरिट्स या पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं देख सकते, ना ही उनको उस रूप में विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेन पॉइंट इसमें याद रखना कि गुणनफल है। ठीक है, थैंक यू।